गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हिंदी भाषा लेखन कौशल का कुछ एक रिव्यू करेंगे। फिर कल से हम जो आपका जो 8 अगस्त को जो एग्जाम है BH DLA 136 उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हम जस्ट रिव्यू करेंगे, मैं आपको सामने जस्ट रिव्यू करवा रहा हूँ बुक का। शब्द संपदा और लोकोक्तियां जो होती हैं, लोगों की जो उक्तियां होती हैं, जो अलग अलग अच्छे अच्छे विचार जो रखे जाते हैं शब्द संपदा संबंधित, तो ये पहला इकाई में इसके बारे में चर्चा की गई है कि जो हमारी भाषा संबंधित होगी। दूसरी इकाई में संवाद शैली और आपका वाक्यगत संरचनाएं, इसके बारे में आपकी जो चर्चा होगी वो इसमें होगी, संरचनाएं के बारे में, शैलियों के बारे में, अशुद्धियां और शोधन के बारे में। ठीक है, पहली भाषा में ही आपकी जो हमारी जो संस्कृत भाषा थी, जो पाली और प्राकृत भाषा जो है वो सारा चर्चा के में आएगा। और जो हम स्लैंग जो लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे वह को वे बोलते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी भाषा का जो अपभाषा या उपभाषा निकल के आती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। सरकारी पत्राचार, टिप्पण और प्रारूप के बारे में इकाई 3 में हम चर्चा करेंगे। समाचार लेखन कौशल और संपादकीय अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार, ये इकाई 5 और 4 में हम इस प्रकार से इसको कर लेंगे। ठीक है, और प्रभावी लेखन के गुण, यानी जब हम लेखन लिखते हैं कोई भाषा में, मतलब अब किसी भी भाषा में लिखें, एक प्रभावी लेखन के गुण होना तो बिल्कुल अनिवार्य है। जैसे हम पत्र व्यवहार करें या कोई भी हम मैसेज लिखें या कोई पोस्ट लिखें, तो एक लेखन हमारा लिखना लिखावट कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। तो वो चाहे शब्द रचना के ऊपर आ जाए, चाहे वो लेखन कौशल के ऊपर आ जाए, इसलिए हमारा जो नाम है इसका भी नाम क्या है आपका, हिंदी भाषा लेखन कौशल, ये इसका आपका नाम है। तो आपको उस बात पर ध्यान रखना है। इसके क्या है, संरचना कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। पुनर्रचना, यानी कई बार आपने देखा होगा पुनर्रचना भी की जाती है, संक्षेपण मतलब शॉर्ट समरी बनाई जाती है किसी की, या भाव पल, यानी आपने देखा होगा कुछ लोग कमेंट्स करते हैं किसी कंटेंट ऑलरेडी कोई बना चुका होता है, जैसे मूवीज के रिव्यू वगैरह करते हैं, कमेंट्री नहीं करते, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं इसको, कि इस प्रकार से वर्णात्मक। ठीक है, तो ये हो गया। फिर तार्किक लेखन के बारे में बात करनी है, ये कुछ और यहाँ तक था हमारा आपका इकाई 11 तक है, बड़ा सिंपल साधारण सा है, इसमें हमने पढ़ना है आपका इस को। चलिए, पहला अगर हम बात करते हैं शब्द संपदाओं के बारे में, तो उद्देश्य प्रस्तावना, शब्दों का महत्व, भाषा सामाजिक शब्द स्तर और शब्दों के विभिन्न स्रोत, यानी शब्द का जो भंडार है, शब्द का अर्थ, यानी सब चीजें हमने पढ़ना है कि शब्द हमारे पास जो आप देखते हैं कि जो एक सामान्य हिंदी भाषा है, जो कोई भी भाषा को आप उठा लीजिए, एक होती है ओरिजिनल भाषा यानी कि मुख्य भाषा जिसको हम कहते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगहों से जाते हैं, शब्द का निर्माण होता है, आपने देखा होगा वर्ड का निर्माण भी होता है, जैसे बहुत सारे वर्ड है ना हमारी भाषा में ही, हिंदी में ही कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं टाई या रेलगाड़ी, है ना, इनका कोई शब्द का मतलब नहीं है क्योंकि विदेशी शब्द हैं या फॉरेन लैंग्वेज से आए हैं। ऐसी हमारी भाषा, जैसे मुख्य भाषा जो संस्कृत है, उसमें भी कहीं दक्षिण भाषा, कोई कुमाऊनी, कोई उत्तराखंड, कोई इधर अवधि भाषा, इस प्रकार से विभिन्न भाषाओं का मिश्रण भी होता है इसमें। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं उद्देश्य पर। इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें, यह इकाई हिंदी भाषा के शब्द मुहावरों से संबंधित है। इस इकाई को पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ पाएंगे, हिंदी भाषा के शब्द प्रयोग और महत्व को बता सकेंगे। ठीक है, और शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानकर उसका सही प्रयोग करना सीख सकेंगे, शब्दों की रचना करना, शब्दों की रचना सीखेंगे, और मुहावरों और कहावतों का प्रयोग, मुहावरे और कहावतों का प्रयोग भी सीखेंगे, एवं महत्व को जानकर उनका भाषा में प्रयोग, सही प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें करेंगे। चलिए, आप जानते हैं कि भाषा का शब्द, भाषा की भाषा में शब्द का महत्व कितना है, कोई भी भाषा हो उसका एक महत्व होता है शब्द का, शब्दों के माध्यम से ही हम, शब्दों के माध्यम से ही अपनी बात कह सकते हैं, शब्दों का इतिहास है अपने आप में, शब्दों का इतिहास बहुत रोचक है, शब्दों का अर्थ अपना एक अर्थ होता है, शब्दों से बने वाक्यों, वाक्यों का भी एक अपना अर्थ होता है, वाक्य के अर्थ से आप सही ढंग से तभी समझ पाएंगे जब शब्दों का वाक्य ही संरचना में सही प्रयोग किया गया हो। ठीक है, इस इकाई से हम शब्द, उसकी रचना और अर्थों को जान सकेंगे, यानी कि शब्द कैसे आया, कोई भी, जैसे अगर हम बात करते हैं क त या जो वर्ण है, वर्ण है, जैसे वर्णमाला आपने देखी, उसमें स्वर और व्यंजन वगैरह अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता जब तक कोई ऐसा शब्द ना बन जाए वो। अगली इकाई में हम वाक्य की रचना के संदर्भ में वाक्य के अर्थ को, विशेषता को सीखेंगे। ये सारी इकाई बारे में बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको कि कैसे हम इसमें पढ़ेंगे। शब्द ध्वनियों से बनते हैं किंतु इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं है। देखो, शब्द बनते तो ध्वनियों से ही है, क ख ग ग, इस तरीके से हम देखें तो शब्द ही है ये, और इन्हीं शब्दों से चीजें मिलके, पूरा हम पढ़ रहे हैं इसको, इन्हीं शब्दों से मिलके बना है। कई बार एक ही शब्द अनेक अर्थ के होते हैं, शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग द्वारा भी हम अपनी बात कहते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की भाषा, शब्दावली, उनकी उपस्थिति, इसमें हम पढ़ेंगे, उनकी उपस्थिति एवं वर्गीय हैसियत के अनुसार विभिन्न विभिन्न होती है। जैसे एक डॉक्टर, एक मजदूर की भाषा में अंतर होता है, ठीक है, उसे आप सहज ही पहचान सकते हैं।
आप शब्दों के स्रोत की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। भाषा में शब्दों का कितना बड़ा भंडार कहाँ से जमा होता है। संस्कृत और प्रांतीय भाषा की शब्दावली के अलावा हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, जापानी और अपनी ने अपनी अपनी जगह बना ली है। इसके अतिरिक्त नए शब्दों की रचना भी होती है। जरूरत पड़ने पर हम नए शब्द गढ़ते हैं, जैसे नए नए शब्द भी आते हैं बीच में, आपने देखा होगा। कभी संस्कृत तो कभी दूसरे स्रोतों से उसका सहारा लेना होता है। शब्दों के अलावा इस इकाई में आपको हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपस में बातचीत कोई मुहावरे और लोकोक्तियों का रोजाना इस्तेमाल करते हैं, इससे आपकी भाषा की सुंदरता और महत्व भी नहीं बढ़ता, उसकी प्रभाव क्षमता का भी विस्तार होता है। मुहावरे वास्तव में क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं भाषा में, इनका क्या महत्व है तथा लोकोक्तियां एवं मुहावरे में क्या अंतर है, ये सब इस इकाई के विवेचित बिंदु हैं। इस इकाई में दिए गए अभ्यासों के लिए आप शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं। आइए अब शब्दों के बारे में जानकारी, शब्दों का महत्व बारे में जानकारी प्राप्त करें। शब्दों का महत्व, भाषा में ध्वनि हमारे, लेकिन हम ध्वनियों से अर्थ प्रकट नहीं कर सकते, जैसे अ, क, त आदि ध्वनियां सार्थक नहीं है, अर्थात इनसे कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता। भाषा के अर्थ का वाहक शब्द है जो ध्वनियों से बनता है। जैसे आम शब्द कहने पर हमारे मन में एक वस्तु का बोध होगा। आम शब्द में आ और म दोनों दो ध्वनियां हैं। इसी तरह कुछ ध्वनियों के योग से बनने वाले शब्द भाषा में अर्थ के वाहक होते हैं। भाषा के शब्द समाज सापेक्ष होते हैं, अर्थात आम कहने पर हिंदी भाषी एक विशेष वस्तु का अर्थ और शब्द का चीनी भाषी या इतावली भाषी के लिए यही अर्थ हो, यह आवश्यक नहीं है। उन लोगों के पास इसी वस्तु के लिए अपना शब्द होगा जो उनकी भाषा की ध्वनियों से निर्मित होगा। इसका तात्पर्य यह है कि एक समाज के सभी लोग जो एक भाषा बोलते हों, भाषा के शब्दों के निश्चित अर्थ से परिचित होते हैं और वे इस अर्थ को उच्चारण से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनके उच्चारण से एक निश्चित अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। भाषा के सामाजिक स्तर भेद। अब तक हमने शब्दों के बारे में जो चर्चा की उसमें सामाजिक स्तर भेदों को नहीं लिया है और न ही प्रयोग के स्तर पर शब्दों के महत्व की बात की है। आपने देखा होगा कि दो बचपन के दोस्त बात सुन बे अबे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि औपचारिक चर्चा स्कूल दफ्तर आदि में भाषा भिन्न होती है। हम भाषा के विशेषकर शब्दों की दृष्टि से भाषा के दो स्पष्ट स्तर पहचान सकते हैं, औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। घरेलू बातचीत, दोस्तों का वार्तालाप आदि में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन सभा, सोसाइटी, कार्यालयों, विशिष्ट विषयों पर परिचर्चा की भाषा औपचारिक होती है, जिसमें शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पेशों और व्यवसायों के लोगों की अपनी भाषा होती है, जिसकी शब्दावली व्यवसाय विशेष से जुड़ी होती है। कक्षा अध्यापक की भाषा, व्यापारियों की भाषा, मजदूरों की भाषा आदि में हम शब्दों के प्रयोग के अंतर की पहचान कर सकते हैं। सामाजिक स्तर भेद के संदर्भ में हम भाषा और उसमें शब्दों के कुछ विशिष्ट रूपों को भी आसानी से पहचान सकते हैं। अनपढ़ लोगों की बोली, मिश्रित भाषा प्रयोग उनके शैक्षिक स्तर का परिचायक है। कुछ लोग अब भाषा स्लैंग का प्रयोग करते हैं, जो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। कुछ पेशों के व्यक्ति दूसरों से छिपकर अपनी बात को दांत कथन। क्या हम अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर यह कह सकते हैं कि मेरे पिताजी मर गए हैं? सहज अर्थ होते हुए भी यह साधु अच्छा प्रयोग नहीं है। मृतक व्यक्ति के प्रति आदर सूचित करते हुए हम अधिक संस्कृतिक शब्दों में कहते हैं, दुर्गंत हो गए, वे स्वर्गवासी हो गए, उनका देहावसान हो गया आदि। इस प्रवृत्ति को क्या कहें, भाषा विज्ञान में इसे उदात्त कथन कहा जाता है। इसी तरह विधवा होने के लिए मांग का सिंदूर पूछना, सुहाग उजड़ना आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में हम अमंगल को सामान्य व्यवहार
के शब्दों से भिन्न शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं। इससे मृत्यु, वैद्य आदि अशुभ और अप्रिय स्थितियों की शिष्ट एवं उदात्त अभिव्यक्त होती है। आदमी अमंगलकारी घटनाओं तथा उनके वाचक मूल शब्दों से बहुत डरता है। इन शब्दों को वह अपनी जुबान पर लाने से ही कतराता है। इसी कारण कई शब्दों के स्थान पर उदात्त शब्द प्रयोग में आते हैं, जिनसे अमंगल का भाव हो सके। कुछ उदाहरण देखिए। सामान्य शब्द उदात्त शब्द, सांप कीड़ा, चेचक माता, शीतला मौत, देहांत निधन। ठीक है, आप समझ रहे हैं, उदात्त शब्द का मतलब है कुछ ऐसे शब्द जहाँ पे हम प्रयोग को उसके शब्द को बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां पर वो नहीं बोलना चाहते हैं, जैसे कि सांप की जगह कीड़ा, चेचक की जगह माता या शीतला निकलना, या फिर मौत की जगह देहांत या निधन का उपयोग करते हैं। कोई नहीं कहता कि उनका मौत हो गई, बोलते हैं उनका देहांत हो गया इस प्रकार से। जी आगे। चेचक माता शीत जी यहाँ से ऐसे शब्द। ऐसे शब्दों के संदर्भ में भाषा प्रयोग की परिस्थितियों के अनुसार शब्दों के अर्थ परिवर्तन भी देखने में आते हैं। आमतौर पर महिलाओं की कांच की चूड़ियां टूट जाती हैं, लेकिन इसे चूड़ी टूटना नहीं कहते, क्योंकि यह भी वैद्य की आशंका के संदर्भ में मंगलकारक नहीं है, बल्कि चूड़ी मॉल जाना कहते हैं। इसी तरह दुकान बंद करना नहीं, दुकान बढ़ाना उदात्त कथन है। बत्ती बुझना नहीं, बत्ती बढ़ाना उपयुक्त शब्द है। उदात्त कथन केवल अमंगल सूचक प्रयोगों से बचने के लिए ही नहीं, अधभरता दूर कर शिष्टता लाने के लिए भी किया जाता है। सभ्य समाज में बैठे हुए हम यह नहीं कहते कि हम पेशाब करने जा रहे हैं, संकेत से बाथरूम का रास्ता पूछ लेते हैं, या संकेत से कहते हैं कि हमें लघु शंका के लिए जाना है। बच्चों के संदर्भ में भी हम इसी बात का अन्य ढंग से विवरण देते हैं। बच्चे ने बिस्तर गीला कर लिया। रोचक बात यह है कि उदात्त कथन भी अधिक चलन में आकर अशोभनीय बन जाता है। पखाना शब्द का अर्थ पैर रखने की जगह था, लेकिन यह शब्द भी अब अभद्र हो गया। से बनी एक आड़ को सूचित करता है। जाने का अर्थ ही था कि आड़ में निवृत्त के लिए जाना, लेकिन अब यह शब्द अशोभनीय हो गया है। इसी तरह शरीर के अंगों के लिए हम उदात्त शब्दों या विज्ञान के शिष्ट पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कम अशोभनीय है। चलिए, एक प्रश्न है यहाँ पे, शब्दों के अर्थ अर्थ कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, भाषा में सामाजिक स्तर में भेद कैसे आप समझते हैं? सामाजिक स्तर का भेद वही है कि जैसे सामाजिक, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, एक क्या भेद पढ़ा था, एक डॉक्टर की भाषा और एक मजदूर की भाषा अलग हो सकती है भाषा में, एक डॉक्टर की भाषा एक मजदूर की भाषा में अंतर हो सकता है। इस प्रकार से हम सामाजिक कह सकते हैं, देखो ना, दोनों की भाषा भिन्न भिन्न हो सकती है। इस प्रकार से तो हमने ये चीजें इसमें पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था हमने इसमें, दो प्रश्न, हाँ ये प्रश्न था ना आपके सामने शब्दों का सामाजिक अर्थ। ठीक है, तो इसमें है नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसमें मर जाने के लिए क्या बोला जाता है, चेचक का चिंगना या पकाना है, चूल्हा बुझना, इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है वो अपने बताना है। ठीक है, शब्दों के विभिन्न स्रोत, शब्द भंडार, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। कल हम इसको डिटेल नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट शॉर्ट पढ़ेंगे। जैसे तत्सम, तत्सम ये आपने पढ़ा भी होगा, तत्सम तद्भव। ठीक है, ये चीजें आपने संस्कृत में, जैसे सूर्य और तत्सम और तद्भव शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, सूर्य सूरज, संध्या सांझ, चंद्र चांद, करपट कपड़ा, वर्ष पहले वर्ष होता था, फिर बरस हो गया, फिर वृद्ध हो गया था, बूढ़ा हो गया। ठीक है, सर्प सांप मयूर मोर, इस प्रकार शब्दों का भाषा में परिवर्तन होता है, यानी हर चीज बदलती है। देश जैसे देश, इस तरह के शब्द हैं, चीजें हैं। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, अभी की क्लास को हम यही स्टॉप कर देते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो एंड वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टुमारो वी विल डिस्कस, जो आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। जी, थैंक यू।